दिल्ली जैसी सिटी में भी एक बार प्रशांत विहार में चतुर्मास रोहिणी में चल रहा था, समझ आ रहा, और जो जहां पर उस कैंपस में ही लोग जो है आहार वगैरह के लिए पड़गान करने के लिए खड़े थे। तो अब थोड़ा सा पता तो हो ही जाता है कौन से कहां पर स्थान है, तो कहीं सीपी ब्लॉक है, राजस्थली है, सब आसपास के जो छोटे छोटे सेक्टर होते हैं तो पता तो रहता ही है कि भाई यहां पर भी जाने का ये रास्ता है। तो एक दिन मेरे दिमाग में आया कि आज मैं इस कैंपस में भोजन नहीं करूंगा, आज मुझे इस कैंपस से बाहर कोई भी व्यक्ति पड़गान करेगा तो मैं भोजन आहार ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। और मैं निकल गया, समझ आ रहा है। अब जैसे ही बाहर निकला तो सब पीछे पीछे चलने लग गए। कुछ लोगों ने उस समय पर कुछ नियम ले रखे थे, जैसे अष्टमी चतुर्दशी को मैं शुद्ध भोजन करूंगा, समझ आ रहा है। मैंने सोचा कि जिस सेक्टर में जा रहा हूं, जिस ब्लॉक में जा रहा हूं, वहां पर एक ना एक व्यक्ति तो इस तरीके के हैं कि जो कहीं शुद्ध भोजन करने का नियम लिए होंगे तो कम से कम उनके घर में शुद्ध पानी तो मिल ही जाएगा, कुछ नहीं भोजन नहीं मिलेगा तो पानी तो मिल ही जाएगा, नहीं समझे। एक फायदा ये भी रहता है शुद्ध भोजन पान करने का, सुन लो आगरा वाले तुम भी सुन लो। और अगर पानी मिला तो पानी के साथ साथ फिर किसी को याद आ गया, अरे भाई कुछ नहीं है, चलो रोटी नहीं है, कोई दाल सब्जी नहीं है, कुछ तो होगा छोटा बहुत सूखा मूखा कुछ तो होगा, समझ आ रहा है। चलो जितना मिलेगा उतना ही सही, निकल गया। अब देखा कि मुझे जिस ब्लॉक में जाना था वो व्यक्ति मेरे पीछे चल रहा है, समझ रहा है। अब मैं देखता जा रहा हूं, मैंने कहा आज तो लंबी परीक्षा होने की है। अब ये अगर समझे कि महाराज कहां जा रहे हैं तो कुछ बात बने। और मैं निकल गया, मैं उस ब्लॉक में पहुंच गया, वहां कोई आहार नहीं मिला, फिर वहां से मैं और निकल गया आगे। अब कोई मुझे आइडिया नहीं था, मैं अब चला जा रहा था, मुझे लौट करके वापस आना था, तो एक दूसरे स्थान तक चला गया। रास्ते में जाते 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 किसी ने बताया कि महाराज मैं निकला प्रशांत विहार से, रोहिणी गए कभी, प्रशांत विहार से पहुंचा पहले सीपी ब्लॉक, फिर सीपी ब्लॉक से फिर जो है पहुंचा राजस्थली, समझ आ रहा है। और किसी ने बताया कि वहां पर एक कोई दादी माँ है जिनका कोई प्रतिमा है, जिनके व्रत हैं, उनके यहाँ पर शुद्ध भोजन बनता है, तो किसी श्रावकों ने वो व्यवस्था वहां पर तुरंत जाकर के कि महाराज राजस्थली की ओर आ रहे हैं, और वहां पर जाकर के ही हमको लेकर के उस राजस्थली की ओर लेकर के चले गए। मुझे नहीं पता था कि कहीं पर कुछ है, वहां जाकर के पता पड़ा कि वहां पर जब लोगों ने पड़गान कर लिया, पड़गान करने के बाद में कि महाराज ये मेरी माँ है, इनकी सात प्रतिमा है, इनके लिए शुद्ध भोजन बनता है, आज इसी में से हमने आपको ये थोड़ा सा भोजन कराया, आज मुझे आनंद आ गया। लगभग 3 किलोमीटर जाने के बाद में फिर 3 किलोमीटर लौट करके वापस आया,